सलमान की फिल्में रिलीज से पहले ही चर्चा में आ जाती है। बॉलीवुड के सुल्तान की फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन राधे के बाद सलमान अब अपनी आने वाली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। और इससे पहले हम आपको इस फिल्म से जुड़ी कई सस्पेंस का खुलासा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत में तबाही मचाने वाली कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगभग खत्म हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने भी फिल्म और टीवी निर्माताओं को शूटिंग करने की इजाजत दे दी है। ऐसे में अब बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स जल्द ही अपनी रुकी पड़ी फिल्मों की शूटिंग शुरू करने के मूड में हैं। निर्माताओं के साथ साथ फिल्मी सितारे भी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर हरकत में आ गए हैं। बात अगर सलमान खान की करें तो वो जल्द ही कभी ईद कभी दिवाली की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकते हैं, जिसे फरहाद सामजी बनाने वाले हैं। कभी ईद कभी दिवाली एक सोशल कॉमेडी फिल्म होगी, जिसमें सलमान खान देश को हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते दिखेंगे। लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो कभी ईद कभी दिवाली में सलमान खान के साथ आयुष शर्मा और जहीर इकबाल भी नजर आ सकते हैं। इन दोनों कलाकारों को सलमान खान ने ही बॉलीवुड में लॉन्च किया था और अब वो इनके साथ स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे। बॉलीवुड में उड़ रही खबरों की माने तो कभी ईद कभी दिवाली तीन भाइयों की कहानी होगी, जिसमें सलमान खान जहीर और आयुष के बड़े भाई बनेंगे। फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार की होगी जिसके बड़े बेटे की शादी नहीं हो पा रही है, जिस कारण छोटे भाई घोड़ी नहीं चढ़ रहे हैं। फरहाद सामजी इस कहानी को कॉमेडी का तड़का लगाकर पेश करेंगे। सलमान खान को लगता है कि अगर कोई अपना स्क्रीन पर साथ होता है तो रियल इमोशंस नजर आते हैं। वो जहीर इकबाल और आयुष शर्मा के साथ खास रिश्ता शेयर करते हैं। साजिद नाडियाडवाला भी सलमान खान से सहमत है और वो इस कास्टिंग से खुश हैं। तो जल्द ही आपको सलमान खान और जहीर इकबाल और साथ ही आयुष शर्मा की केमिस्ट्री कभी ईद कभी दिवाली में नजर आएगी।